और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं आईटीओ अभिषेक रावत के पास। छात्रों को लहू लुहान किया गया, प्रोफेसर के सिर पर फोड़ दिए गए हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं खुद छात्र राजनीति से रही, दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही, 25 साल राजनीति में आंदोलन हजारों हुए, लेकिन इस तरह का ब्रुटैलिटी छात्रों को मात्र उनकी आवाज उठाने के लिए इतने बुरी तरह, मुझे लगा जामिया से सबक ले लिया होगा देश की सरकार पुलिस ने, पर लग नहीं रहा जेएनयू को बच्चों को लहू लुहान देखकर कोई सबक लिया है। माफ करें, आपको आपको आज की घटना की क्या जानकारी मिली? जानकारी यही मिली है कि जेएनयू के अंदर भी कुछ गुंडों ने घुस के वहाँ के छात्र जो नागरिकता कानून के खिलाफ लगातार पिछले कुछ दिनों से डपली बचाकर गीत लिखकर अपनी मुस्कान से आंदोलन चला रहे थे, वो मुस्कान अमित शाह जी से बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए आज फिर एबीवीपी के आप क्या जेएनयू में जाएंगे क्या? मुझे हमें जहाँ पे भी जाना होगा इस देश के भविष्य छात्रों की आवाज लोकतंत्र को बचाने के लिए जाएंगे। जामिया में भी खड़े थे, यहाँ भी खड़े। यहाँ पे क्या मेन डिमांड है आज आपकी? डिमांड अमित शाह जी के कहेंगे आज आप बूथ मजबूत कर रहे थे, बूथ छोड़िए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, देश मजबूत करिए, जल रहा है देश, आवाजें आपसे सुनी नहीं जा रही, बर्दाश्त नहीं हो रही, अर्बन नक्सली इनको बताने से अच्छा होगा आप आए इनके साथ बैठे, इन्हें सुने और फैसले लीजिए, ये देश के नागरिक हैं, इन्होंने आपको चुना है। आज आप तानाशाह बहुमत के दम पर सोच रहे हैं, बहुमत है तानाशाह, कोई इनको पांच लीला नहीं सकता है, और आप ब्रुटैलिटी करते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस के हाथ में देकर निर्दोषों के घर में घुस के उनके पर झूठे मुकदमे डालकर आपने जेल में भी रखा, ये सब ने देखा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अमित शाह जी को कहना चाहूंगी, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगी, बस करिए, ये देश जल रहा है, कौन जिम्मेदारी लेगा? आप पूछ रहे कौन जिम्मेदारी, देश का प्रधानमंत्री कौन है, किसकी सरकार है, पुलिस किसके अधीन है, गृह मंत्रालय किसका है, जेएनयू जामिया दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालय है किसके अधीन है, कौन सुरक्षा देगा, किसकी जिम्मेदारी है, कौन कार्रवाइयां करेगा? शर्म आ रही है, आज देश शांत होता है और ये फिर उसमें आग लगाने का काम करने पहुंच जाते हैं। आप देखिए फेसबुक उठाकर जेएनयू के हमारे बच्चे क्रांतिकारी तरीकों से कविताएं लिख लिख कर डपली बजाकर मुस्कान से ताली बजाकर सीढ़ियों पर बैठकर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? अशर्म की बात है, पुलिस पूरी तरह नाकाम रही है, वरना जेएनयू के अंदर हमारे जो छात्र हैं हमारे प्रोफेसर जो हैं वो इस तरह से लहू लहान तस्वीरें आदेश के सामने आकर देश को शर्मसार कर रही हैं, खाली देश नहीं विदेश भी, आज सोशल मीडिया का डिजिटल इंडिया का दौर है, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप पे मुझे भी बाहर से पता लगा सबका कि बाहर के विदेश में बैठा हुआ भारत का नागरिक चिंता कर रहा था और मुझे बताया ऐसा कुछ हो गया है। आप समझ रहे हैं आप कितना छुपाएंगे, आप कितना छुपाएंगे, आप छुपा नहीं सकते हैं, ये हकीकत सामने आ रही है। माँ हूँ, 22 साल का बेटा है, आप बच्चों को पीट रहे हैं, कब तक कोई बर्दाश्त करेगा, क्यों हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं, आपने एक कानून लाए। तो अलका लांबा को आपने सुना, पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है जिस तरीके के बयानात आप सुन रहे हैं, हालांकि दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। एबीवीपी के छात्रों का यह कहना है कि लेफ्ट के छात्रों ने उन पर हमला किया, यानी दोनों तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं।